नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है प्रेजेंट सिचुएशन में जो हीट वेव चल रहा है, उस हीट वेव में क्या क्या शारीरिक मानसिक समस्याएं आ सकते हैं और उनको हम लोग कैसे मैनेज करें। तो अभी हर जगह में ही ये समर सीजन चल रहा है और टेम्परेचर सब जगह में लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, और कई कई जगह में हीट वेव यानी जिसे हम लोग बांग्ला में लू बोलते हैं तो वो भी चल रहा है। तो ये समय हम लोग के सामने একদম পুরো বকলি একদম কিন্তু শিওর আসবি কালকে লিয়ে দেবো একবারে। সুকান্ত কুনার জি, আপ থোড়া আপকা এ বন্ধ করে দিজিয়ে। হ্যাঁ, তো আজ হম লোক জানেঙ্গে কি ডিউরিং হিট ওয়েভ হম লোক কা ক্যা ক্যা তকলিফ হো সকতা হ্যায়। জব ভি হিট ওয়েভ আতা হ্যায় গরমি কে সময় মে, তো দেখিয়েগা শারীরিক আর মানসিক কুছ সমস্যায় অটোমেটিক্যালি আ যাত। পহলে আতে হ্যায় মানসিক সমস্যা মে, কোই একজন বলিয়ে কি মানসিক ক্যা ক্যা সমস্যা আ সকতা হ্যায় ইস সময় গরমি কে বজহ সে। माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा सर, अपसेट रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन में, मतलब बहुत ज्यादा तुरंत हो जाता आदमी, गुस्सा हो जाता है कोई। हाँ ठीक है, और कोई देखिएगा इस समय कुछ मानसिक समस्याएं हम लोग के पास आता है। पहले तो जो ऋषि जी बोला है कि इंसान का टेम्परमेंट थोड़ा कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और जल्दी गुस्से में आ जाता है। आप लोग भी देखिएगा गर्मी के समय आप लोगों का भी जो पेशेंस लेवल है वो कम जाता है, छोटा सा बात में ही गुस्सा आ जाता है। ट्रेन बस में जो लोग चलते हैं वो लोग देखेंगे कि छोटा छोटा बात को लेकर ही लोगों में आपस में झगड़ 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 जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यह है टेम्परमेंट शॉर्ट हो जाता है इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है। दूसरा जो है डिप्रेशन आ जाता है, अवसाद, कुछ करने का अच्छा नहीं लगता। गर्मी के समय जो भी जिसको भी काम करने का मन करता था पहले, एनर्जी था, इस हीट की वजह से उनका एनर्जी लेवल थोड़ा फॉल डाउन हो जाता है और साथ ही साथ उसका एक डिप्रेशन भी आ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तीसरा जो है वो है फिजिकल एनर्जी के साथ साथ साइकोलॉजिकल एनर्जी भी लेवल भी कम हो जाता है, तो एक ऑटोमेटिकली एक होम सिकनेस जनरेट करता है। होम सिकनेस मतलब बाहर जाने को मन नहीं करता, गर्मी के समय इंसान घर के अंदर रहना ज्यादा पसंद। तो ये तीनों सब मानसिक समस्या हम लोग नोटिस किए हैं, और शारीरिक कुछ समस्या इसमें हो जाता है। तो शारीरिक समस्या में जो सबसे ज्यादा हो सकता है जिसके बारे में सभी को पता है वो है सन स्ट्रोक। हीट वेव में अगर कोई भी धूप में निकलता है तो उसका सन स्ट्रोक हो जाता है, होने का चांसेस रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सन स्ट्रोक का सिम्टम क्या है। आप लोग किसी को अगर पता है कि सन स्ट्रोक का सिम्टम क्या है, किसी को अगर हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते हैं। किसी को भी अगर सनस्ट्रोक हुआ है या आपने किसी पेशेंट को देखा है तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर सकते ठीक है। आप किसी का एक्सपीरियंस जब नहीं है शरीर एकदम सुस्त हो जाता है सर, और मतलब यदि हो सकता है तो माथे में दब 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 भी कर सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, लेकिन शरीर पूरा एकदम हरासमेंट होता है, मतलब एकदम से एनर्जी लॉस हो जाता है। आपको हुआ था कभी सनस्ट्रोक? हाँ सर, हुआ था। ओके ठीक। तो सनस्ट्रोक का जो सिम्टम फर्स्ट आता है दैट इज कंफ्यूज, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। जब भी कोई धूप में निकलता है तो उसको क्या होता है, गर्मी तो लगता है लेकिन जब सनस्ट्रोक हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होते ही उसका सोचने का जो ताकत है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। उसका आंखें बड़ा बड़ा हो जाता है, आंख लाल हो जाता है। फर्स्ट सिम्टम जो आता है दैट इज कंफ्यूजनेस। उसके बाद आता है
सेरिब्रल कंजेशन, माथा में ज्यादा खून आ जाता है। तो माथा में जब खून आ जाता है ज्यादा, तो माथा में जब ज्यादा खून चढ़ जाता है, जिसको हम सेरिब्रल कंजेशन बोलते हैं, वो होते ही आंख लाल लाल और माथा में जो माथा का जो वेन्स है उसको दिखाई देगा आपको, वो एकदम प्रॉम्प्ट हो जाता है, बाहर से दिखाई देगा। साथ ही साथ आटारी में भी एक थ्रॉबिंग सेंसेशन जनरेट होता है, इसलिए माथा में दब 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 टाइप का सेंसेशन जनरेट होता है। लेकिन पेशेंट को पहले वो थ्रॉबिंग सेंसेशन आ सकता है, नहीं तो पेशेंट का जब कंफ्यूज हो जाएगा, उसका सेंसेशन चला जाता है, तो उसको पता नहीं चलता कि सर दर्द हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर क्रेनियम में जितना भी वेन्स है वो थोड़ा फूल जाता है, और इधर में जो आर्टरीज है उसको दिखाई देता है थ्रॉब करने में, उसमें पल्सेशन दिखाई देता है। साथ ही साथ प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन हो जाएगा, मतलब बहुत वो पसीना पसीना हो जाएगा, और फिर सडन कॉन्सियसनेस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, और पेशेंट अनकॉन्सियस हो जाता है। यह है आपका हीट स्ट्रोक का साइन। तो इसको इसी समय ये हो सकता है, जो भी मैक्सिमम जो लोग बाहर निकलते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है, और कुछ लोग ऐसा है जिनको गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है, जैसे जो ठेला वाला होता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो आइसक्रीम का दुकानदार है, जो आपका लस्सी का दुकानदार है, जो घोल बिक्री करता है, मतलब गर्मी में जिसका बिजनेस चलता है, या आपका पुलिस वाला, ट्रैफिक मैन, आपका जो गाड़ी चलाता है, मतलब कुछ पर्सन ऐसा है जिनको अपने पेशे के कारण बाहर जाने के लिए वो लोग मजबूर रहते हैं, तो जिसको उसी लोगों को ज्यादा से जो सब ज्यादा स्पॉट है सनस्ट्रोक होने का चांसेस रहता है। तो चार सिम्टम्स हम लोग जो देखे, फर्स्ट है कंफ्यूजनेस, और पेशेंट जो कंफ्यूज हो जाता है, हो गया, उसका आंख देख के कभी कभी पता चलता है उसका आंख बड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा मतलब टाइप का हो जाता है। साथ में प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, सेरिब्रल कंजेशन, रेडनेस ऑफ आईज, कंजेशन इन आईज, मतलब रेडनेस, आंख लाल हो जाता है, पसीना हो जाता है, और पेशेंट का प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस और अनकॉन्सियस भी हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करें, पहले तो है पेशेंट को इमीडिएट रेस्क्यू करना पड़ेगा। ये जो है सनस्ट्रोक जो है ये फर्स्ट एड के अंदर में आता है, दायरे में, पहले इसको फर्स्ट एड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर रेस्क्यू। पेशेंट को तुरंत हम लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, पेशेंट को गर्मी से तुरंत ठंडा जगह में, एज अर्ली एज पॉसिबल ठंडा जगह में ले जाना। अगर आसपास किसी का घर में एसी है तो एसी में लेके आना पड़ेगा, अगर एसी नहीं है कम से कम छाँव में, किसी के घर के अंदर, अगर घर के अंदर नहीं है तो कम से कम कोई पेड़ के नीचे, मतलब इसको इमीडिएट कोई ठंडा जगह में लाना पड़ेगा। नंबर दो, तुरंत उसका माथा को ठंडा करना पड़ेगा, इसलिए उसका जितना कपड़ा है उसको थोड़ा लूज कर देना पड़ेगा, जूता है तो खोल देना पड़ेगा, मोजा है तो खोल देना पड़ेगा। करने के बाद ही तुरंत ठंडा पानी से माथा में और हाथ पैर में देना पड़ेगा, मतलब पेशेंट को इमीडिएट हम लोगों को ठंडा करना पड़ेगा, और एसी है तो एसी में ला। फिर उसका पाल्स देखना है, हम लोग जब पाल्स देखेंगे तो पाल्स ऑटोमेटिकली थ्रॉप करेगा, दब 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 करेगा। साथ ही साथ कॉन्सियसनेस भी थोड़ा चेक करेंगे, कॉन्सियसनेस है तो ठीक है, अनकॉन्सियस है तो तुरंत उसको, अगर पाल्स में कुछ गड़बड़ी दिखाई दिया या कॉन्सियसनेस नहीं है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ हम लोगों को मैनेज के लिए, पर्टिकुलरली सनस्ट्रोक के लिए, हम लोगों को बहुत ही अच्छा दवाई है बेलेडोना। आप लोगों को पता है कि बेलेडोना जो की नोट है वो है कंजेशन, और सनस्ट्रोक में कंजेशन ही होता है, सेरिब्रल कंजेशन होता है। दूसरा है बेलेडोना का भी जो एलिमेंट्स होता है, मतलब बेलेडोना का सिम्टम्स ऑलवेज हीट ऑफ द सन बढ़ जाता है, और सनस्ट्रोक तो हीट ऑफ द सन से ही होता है, तो इसलिए बेलेडोना इज द राइट सिलेक्टेड रेमेडी। और हो सके तो तुरंत अगर आपके पास है या क्लिनिक में आया, तो उसको पेशेंट को ठंडा करने के साथ साथ उसको बेलेडोना फ्रीक्वेंटली दिया जाना चाहिए, फ्रीक्वेंटली एकदम
हाफ कप पानी में बेलेडोना का 4-5 बूंद डाल दीजिए। पहले तो उसका जीभ में एकदम डायरेक्ट 1 ड्रॉप दे दीजिए, और फिर हाफ कप पानी में 4-5 बूंद बेलेडोना डाल के, कोई भी प्रोडक्ट हो अवेलेबल है उसको ही डालिए, और थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बूंद करके जीभ में देना शुरू कीजिए। तो क्या किया हम लोग, फर्स्ट पेशेंट को रेस्क्यू करके लाया ठंडा जगह में। दूसरा है उसके माथा और हाथ पैर का जितना बॉडी का जितना जो पार्ट्स है, जैसे यहाँ का बटन है, कमर में बेल्ट है, पैर में जूता है, ये सबको खोल दीजिए। खोलने के बाद माथा और हाथ पैर में ठंडा पानी देना शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ बेलेडोना फ्रिक्वेंटली देना शुरू कर दीजिए। इतना समय में अगर पेशेंट का होश आ गया, साथ ही साथ उसका पाल्स और बीपी भी आपको देखना है। जब भी बीपी देखिएगा तो बहुत हाई मिल सकता है, 200/100 ऐसा बीपी मिल सकता है, और पाल्स तो थ्रॉप करेगा और फास्ट रहेगा। तो उसको देखना है 5 मिनट में कि पेशेंट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, प्रेशर कम रहा है कि नहीं, पाल्स थोड़ा थोड़ा कम रहा है कि नहीं, थ्रबिंग थ्रब जो कर रहा था ये थोड़ा कम रहा कि नहीं। अगर पेशेंट का स्थिति डेवलप हो रहा है तो ठीक है, उठ के आप अपना ट्रीटमेंट चलाते जाइए, नहीं तो उसको एनएनजी इमीडिएट डिस्पोजल, उसको एक गाड़ी एम्बुलेंस बुला के, एसी एम्बुलेंस बुलाने से अच्छा होगा, बुला के उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए। तो ये सांस स्ट्रोक का मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए उसको ठंडा पानी पिला सकते हैं? ना। उस समय ज्यादा पानी नहीं पिलाना है, हाथ पैर ओके माथा में सर, ही पानी देना है, और ठंडा पानी पिलाना नहीं है। पेशेंट का अगर होश में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग बोला जो डिस्ट्रो पानी में या बेलेडोना मिला के दे रहे हैं वो भी 1-2 ड्रॉप देने के लिए बोला गया, ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा, उसमें मुंह में पानी डाल दीजिएगा तो हो सकता है कि वो ट्राकी में जाकर ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, इसलिए उसको पानी पीने नहीं देना है। जब पेशेंट का होश आ गया, अगर उसका प्रेशर फॉल हो गया है, फिर देखना है तो उसको ORS का पानी दिया जा सकता है, या थोड़ा सा पानी दिया जा सकता है। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक, मतलब ठंडा पानी नहीं देना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। नेक्स्ट, गर्मी का समय जो सेंसेशन आ सकता है वो है सर दर्द। सर दर्द में भी हम लोग देखते हैं, जिसका सर दर्द होता है गर्मी के समय, उसमें भी अगर हम लोग देखते हैं कि माथा को अच्छे से धुलाया जाए तो सर दर्द गर्मी की वजह से जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो जिसका भी गर्मी के वजह से, हीट वेव की वजह से सर दर्द शुरू हो गया, वो डायरेक्ट अपना माथा को, पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस जहाँ रहता है, बैक साइड ऑफ हेड, हेड का माथा का पीछे साइड में ज़्यादा पानी देने से ही सर दर्द तुरंत कभी कभी ठीक हो जाता है। और उस समय अगर आंख लाल हो गया है तो बेलेडोना दिया जा सकता है। साथ ही अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा टेंशन भी रहता है तो एक्रोनाइट भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो है सर्दी गर्मी में सरदर्द के साथ साथ थोड़ा सा बुखार का सेंसेशन और नाक से पानी बहना शुरू होता है, सर्दी जुकाम भी शुरू हो जाता है। तो गर्मी में जो सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है उसमें तो उसमें हम लोग का जो मेडिसिन सबसे अच्छा काम करता है, दैट इज एलियम सेपा। गर्मी के समय हम लोगों का पुराना दिन का जो माँ मासी मौसी लोग होता था, वो लोग बोलते थे कि घर जब भी घर से निकलो तो एक ऑनियन प्याज अपने साथ में लेके जाओ। ये उन लोग अपना अभिज्ञता से और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वो लोग सही कहते थे। कोई इंसान अगर एक प्याज उसका ऊपर का छिलका खोल के अगर बॉडी के में कांटेक्ट करके, मतलब अपना पॉकेट में या हाथ में लेके मूव करे, तो देखा गया है कि उसका सांस स्ट्रोक होने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है, और सर्दी गर्मी होने का भी चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। और सर हैनमैन, सैमुअल हैनमैन ने होम्योपैथी के हिसाब से जो भी बात कहे हैं, उसके हिसाब से भी गर्मी के समय जो भी सर दर्द और साथ में रनिंग नोज, साथ में माइल्ड फेब्रिल कंडीशन भी जेनरेट होता है, तो समय हम लोग एलियम सेपा के भी बारे में भी सोच सकते हैं। गर्मी के समय एक अच्छा चीज है,
देखिएगा जितना भी सन स्ट्रोक होता है या गर्मी से ज्यादा काम होता है वो नॉर्मल लोगों को होता है, लेकिन एक टाइप का ट्राइबल पीपल को आप लोग देखेंगे कि वो लोग गर्मी में भी काम कर करता है। अगर उनको आप अच्छे से देखेंगे वो लोग गर्मी में काम करता है और उनका सांस स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम होता है। तो अगर ऑब्जर्व करेंगे और उस चीज को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो इसमें आप लोग भी लाभ आप लोगों को मिल सकता है। पहले देखिएगा जो भी बाहर में काम कर रहा है वो माथा में एक बड़ा सा पगड़ी टाइप का या अपना जो गामछा होता है हैंड का टावल टाइप का गामछा जिसे हम लोग बांगना करते हैं वो लोग माथा में अच्छा तरह से लगाता है ताकि धूप डायरेक्ट माथा में ना लगे। नॉर्मल टोपी पहना जा सकता है लेकिन मोटा करके कपड़ों का अगर माथा जाए माथा में तो डायरेक्ट हीट माथा में नहीं लगता है तो सनस्ट्रोक होने का चांसेस कम हो जाता है। राजस्थान जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ देखिएगा लोग इतना बड़ा बड़ा पगड़ी पहनता है और इसीलिए सांस की वजह से वहाँ डेथ रेट बहुत ही कम। तो नंबर वन जब भी बाहर में निकलना है माथा में मोटा टाइप का कपड़ा जिसमें हवा तो जा सकता है लेकिन टेम्परेचर मतलब हम लोग का जो क्या बोलते हैं हीट हीट ना जाए, हवा जाए लेकिन हीट नहीं जाए, इस तरह से पगड़ी पहना जा सकता है। हेलमेट नहीं चलता है क्योंकि हेलमेट में एयर पासिंग नहीं होती। प्लास्टिक का कवरेज में क्या होता है एयर पासिंग नहीं होता है। तो कब पगड़ी का यूजेस किया जा सकता है। दूसरा है एक प्याज अपने साथ में कैरी हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है फ्रीक्वेंट पानी का व्यवहार। गर्मी के समय पानी का ज्यादा उपयोग होना चाहिए क्योंकि पर्सपिरेंस के दौरान पानी शरीर से निकल जाता है और अगर हम लोग पानी भी पिए तो देखा जाता है शरीर में एक सॉल्ट है जिसके अगर डेफिशिएंसी दिखाई देगा तो पानी तो शरीर में आएगा लेकिन तो शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो है सोडियम क्लोराइड यानी नेट्रामिन। तो इसीलिए बोला जाता है कि पानी अगर पीना है थोड़ा नमक डाल के पानी अगर पिया जाएगा तो अच्छा है। नेक्स्ट जो है देखिएगा जो ट्राइबल पीपुल है वो एक टाइप का खाना खा के घर से निकलता है जिसे वो लोग हंडिया बोलते हैं, कोई पचा नहीं बोलता है। मतलब चावल को 2-3 दिन का बासी चावल चावल उबाल उबाल के 2-3 दिन बाद वो थोड़ा खट्टा टाइप का हो जाता है, सावा टेस्ट में आ जाता है और उसमें थोड़ा सा एल्कोहलिक फॉर्मेशन भी आ जाता है। पांता भात बांग्ला हमारा जाके पांता। इसलिए जो देखिएगा जो योगा या नेचुरोपैथी करता है वो लोग गर्मी के सीजन में हमेशा ये पांता भात यानी क्या बोलेंगे 2-3 दिन का पुराना भात वो लोग यूज करता है। और जो ट्राइबल पीपुल है मैक्सिमम जो बाहर में काम करते देखिएगा वो भी उसको बना के वो लोग थोड़ा उसको ये करता है लिस्ट देके उसको थोड़ा एल्कोहलिक फॉर्मेशन में भी लाता है और उसको पी के जाता है। एज पर होम्योपैथी फिलोसॉफी जो दवाई जो सिम्टम क्रिएट कर सकता है वो दवाई वो सिम्टम को एलिमिनेट भी कर सकता है। तो अगर थोड़ा सा एल्कोहल आप देखिएगा जो लोग एल्कोहल पीने के बाद सेरिब्रल कंजेशन होता है, देखिएगा सेरिब्रल कंजेशन होता है अल्कोहल पीने के बाद। इसीलिए लिमिटेड अल्कोहल अपना मतलब जो लोग यूज करता है जो 2-3 दिन का पुराना भात में मिलता है सड़ा हुआ या खट्टा भात में जो मिलता है एक मिनिमम उसमें अल्कोहलिक फॉर्मेशन रहता है और वो भात खाने से जिसे हम लोग पांता भात बोलते हैं वो खाने से क्या होता है उस अल्कोहलिक स्टेट हमारा खून में जाता है तो एक माइल्ड सेरिब्रल कंजेशन होता है। तो नेचुरल डिजीज में जो सेरिब्रल कंजेशन होना था वो होने ही देता। इसीलिए देखा जाए कि पांधा भात जो खाता है उसको इस समय सेरिब्रल जो आपका सनस्ट्रोक का चांसेस नॉर्मल पीपल से ज्यादा मिलता है। तो ये भी किया जा सकता है और यूजेस ऑफ लेमन लेमन का भी यूजेस किया जा सकता है गर्मी के समय। और एक चीज अच्छा बहुत ज्यादा होता है दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से
कोई भी इंसान का इमीडिएट एनर्जी लेवल फॉल डाउन हो जाता है। और इसको निकालने के लिए सही सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है ORS का पिलाना। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसमें मिनिमम तीन चीज रहता है, एक है सॉल्ट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा है आपका शक्कर चीनी। शरीर से जब ज्यादा खून निकल जाता है, पसीना निकल जाता है, तो कभी कभी पेशेंट का जो है ग्लूकोज लेवल में भी फॉल आ जाता है। तो जो शुगर पेशेंट है, गर्मी के समय उन लोगों को केयर लेना बहुत जरूरी है। शुगर पेशेंट को क्या होता है, वो लोग तो ग्लूकोज को शरीर में स्टोर करने का जो मैकेनिज्म, वो लोग धीरे धीरे खो देता है, इसलिए उसका शरीर में ग्लूकोज ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं रहता है। ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो तुरंत उन लोगों को भूख लगता है, खाना पड़ता है। लेकिन गर्मी में अगर खाना भी खाने का समय नहीं है, बाहर में कहीं है और सडन एनर्जी लेवल फॉल डाउन हो जाता है, तो उस समय उनका जान जाने का भी झोंका रहता है, पेशेंट कुमा में भी चला जाता है। डायबिटिक शॉक जिसे बोला जाता है, वो शुगर फॉल डाउन होने से भी होता है। तो तुरंत उसको शक्कर या ग्लूकोज, ग्लूकोज अवेलेबल है तो ग्लूकोज देना है, नहीं तो शक्कर अवेलेबल है तो शक्कर भी देना है। लेकिन उस वक्त भी हम लोगों का कोई भी होम्योपैथी दवाई, कोई भी एकोनाइड वेलेडोन आपका हाथ में जो भी है, उसका भी 5-6 बूंद उनको उसका जीभ में दे दीजिएगा, तो होम्योपैथिक डाइल्यूशन में क्या रहता है, स्पिरिट रहता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब है कंसनट्रेटेड एल्कोहल, मतलब कंसनट्रेटेड ग्लूकोज भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो तुरंत ग्लूकोज का जो डेफिशियंसी है, जिसकी वजह से उसका मतलब ग्लूकोज कम होने की वजह से जो शॉक आ गया, उससे भी उसको रिलीफ मिल सकता है। और इसीलिए गर्मी के समय में जो ORS दिया जाता है, उसमें आपका शक्कर होना जरूरी है, शुगर इज एसेंशियल। मतलब शुगर और सॉल्ट और पानी, ये जो तीन चीज है, और ORS में थोड़ा सा चुटकी भर सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाया जाता है, लेकिन हम लोग जो घर में बनाएंगे उसमें वो सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग नहीं देंगे, नॉर्मल नव नमक और आपका शक्कर ही देंगे। कुछ लोग नींबू का रस डालते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नींबू का रस डालें, नींबू का रस डालने से थोड़ा टेस्टी होता है, गर्मी में आने से थोड़ा पानी पीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन ORS में जरूरी नहीं है कि आप नींबू का रस डालें, नहीं डालें तो ORS का क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो ये चीज हम लोग को गर्मी के समय ORS फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज कर सकते हैं। रिगार्डिंग इस गर्मी के समय हम लोग क्या करते हैं, दिन में कम से कम 3 बार हम लोगों को नहाना चाहिए, जैसे फ्रिक्वेंट पानी पीना चाहिए। और पानी पीने का भी एक चीज में हम लोग ध्यान देंगे, ताकि बाहर से घर में आते ही तुरंत हम लोग पानी नहीं पिए, कम से कम 10 मिनट घर में बैठने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए। अगर बाहर से आके तुरंत पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, बॉडी स्टेट में अंदर की जो ड्राइनेस होता है, पानी हम लोग इंटेक नहीं कर पाते, कभी कभी वो सांस नाली में भी पहुंच जाता है। तो इसलिए देखा जाए कि कभी गर्मी से आया और पानी पी लिया, उसके बाद तुरंत पेशेंट का हालत खराब हो जाता है, कभी कभी डेथ भी होने का चांसेस रहता है। इसलिए बाहर से जब अभी भी आएंगे, जितना भी जल्दी हो, जितना भी प्यास लगे, किच नहीं करेंगे, पहले घर में आएंगे 10 मिनट आराम से बैठेंगे पंखा के नीचे, उसके बाद हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद पानी पियेंगे, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर। तो ध्यान देने का बात यह है कि बाहर से आते ही पानी नहीं पीना है, दूसरा घर में आने के बाद 10 मिनट रेस्ट लेके हाथ पैर धो के जो पानी पियेंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होगा, कोई कोल्ड ड्रिंक्स कोई ठंडा पानी का यूजेस नहीं करेंगे। अगर ठंडा पानी उसके बाद भी 15-20 मिनट के बाद भी अगर हम पानी पियेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर का ही पीना है गर्मी के समय, क्योंकि उस समय अगर हम लोग ठंडा पानी पियेंगे तो गला में तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। जो जो भी देखिएगा फ्रिज का पानी पी लेंगे तो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन के बाद शोर थ्रोट का सिम्टम्स उनमें आ जाता है, और उस समय के लिए एक कॉमन सिम्टम लेके हम लोग के पास पेशेंट भी आएगा। और ये जो सिम्टम है, ये हम लोग को देखिएगा ब्रायनिया में, गर्मी से आके ठंडा पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया या फ्रिज का खाना खा लिया, उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो बुखार आता है, गला में दर्द आता है,
तो उसमें ब्रायनिया इज द राइट सिलेक्टेड रेमेडी। कभी कभी अगर इनिशियल स्टेज में रहता है और रेडनेस ज्यादा है तो उस समय हम लोग गैलेंड्रा भी देते हैं। कभी कभी फाइटलॉक का देके भी गार्गल करवाते हैं अगर स्टेट पेशेंट का क्रॉनिक इस तरह का सिम्टम्स है, तो फाइटलॉक का से थोड़ा गार्गल भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। खुद अपना जीवन में कोल्ड ड्रिंक्स का यूजेस इस समय हम लोग नहीं करेंगे। ये है गर्मी के समय हम लोगों का क्या क्या समस्या आ सकता है। और एक समस्या जो आ सकता है दैट इज स्किन रैश, स्किन में घमोड़ी और बहुत टाइप का रैसेस निकलता है। तो जब रेड टाइप का हो जाता है और बहुत घमोड़िया टाइप का निकलता है तो उसमें हम लोग का बहुत सारा मेडिसिन है। उनमें से एक है नेट्रामयूर, जो लोग नमक ज्यादा खाता है और निकल जाता है उसमें है नेट्रामयूर। जिस घमोड़ी में पानी जमा रहता है तो उसके लिए नेट्रामसाल बहुत अच्छा काम देता है। क्या राष्ट्रक्स, बोले सर, क्या बोले नेट्रामयूर, नेट्रामसाल सर, का कौन यूजेस सा? हो सकता है और राष्ट्रक्स का भी यूजेस हो सकता है। जब लाल इचिंग बहुत ज्यादा होता है तो उसमें राष्ट्रक्स का भी यूजेस हो सकता है। अगर सेब लाल है और उसमें बर्निंग सेंसेशन है तो राष्ट्रक्स या बेलेडोना जिसका सिम्टम ज्यादा मिलेगा उसको भी दिया जा सकता है। लेकिन पेशेंट अगर अच्छा से ठंडा डेटॉल सामान से नहाएगा 2-3 दिन 4 दिन और थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल आते ही ये सिम्टम देखिएगा चला जाता है। मतलब जो हीट के कारण जो स्किन इन्फेक्शन आ रहा है उसको बहुत सारा दवाई है जो हम लोग बोले उसका भी यूजेस किया सकता है। जाएगा उस समय के लिए जब तक ना वेदर थोड़ा ठंडा हो जाए। वेदर ठंडा होते ही ये स्किन का जो रैश है, जो घमोरिया है बा अदर स्किन सिम्टम्स है वो तुरंत ठीक हो जाता है। देखिएगा जो शरीर का जॉइंट्स है लाइक यहाँ और इन्ग्विनल रीजन में दो पैर के हाज में, उस समय में भी देखिएगा उस जगह में भी छाला पड़ जाता है, छाला टाइप का एक चीज पड़ जाता है। तो उसमें लिक्विड पेट्रोलियम जेली का यूजेस किया जा सकता है। हम लोगों जो कैलेंडुला है, कैलेंडुला ऑइंटमेंट, उसका यूजेस किया जा सकता है। और डेटल पानी से नहाना, नहाया मतलब पानी जिस पानी में नहाएगा उसमें 4-5 बूंद अगर डेटल टाइप का कुछ दिया जाए उससे नहाया जाए तो दिखा जाता है इस टाइप का जो सेंसेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यह है स्किन का सही समस्या है। गर्मी के समय मैक्सिमम लोगों का जो ज्वाइंट पेन है वो कम हो जाता है, एक बड़ा अच्छा चीज है। शरीर में जिसका दर्द रहता है गर्मी के समय वो दर्द कम हो जाता है। और जो बोले होम सिकनेस, तो हम लोग पहले ही बोले कि ब्रायनिया में भी एक होम सिकनेस है। पेशेंट को थोड़ा एनर्जी मिलता है तो पेशेंट बाहर जाने को लिए सोचता है। तो होम सिकनेस अगर गर्मी की वजह से आया या नॉर्मली आया तो उसमें हम लोग ब्रायनिया का यूजेस कर सकते। कभी कभी देखा जाता है कि गर्मी के समय गर्मी की वजह से और पेशेंट का जो टेम्परेचर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और होते होने के बाद वो लोगों से झगड़ा करता है और झगड़ा करते करते उसको टेंशन बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद भी उसका कुछ सिम्टम्स आ जाता है तो उस समय के लिए हम लोग सिर्फ एक्वानाइट का यूजेस करेंगे। लास्ट 4 दिन से हम लोग लगातार सुबह से रात तक 3-4 को कैंप किए हैं और उसमें हम लोग के जो सारे समस्याएं हैं ये सब देखने को मिला है। सनस्ट्रोक का भी पेशेंट आया था, सर दर्द का भी पेशेंट आया था, स्किन इरप्शन का भी पेशेंट आया था, आपका डायबिटिक जो शुगर लेवल फॉल हो गया इसका भी पेशेंट आया था। तो सभी को देखा जाएगा इस तरह से मैनेज किया गया है। लेकिन सबसे पहले बात जो है अपने आप को भी सुरक्षित रखना चाहिए, इसीलिए जब भी हम लोग बाहर निकलेंगे तो माथा में अच्छे से, जैसे मेरा बाल नहीं है जैसे माथा में बड़ा बाल है तो सब ठीक है, अगर नहीं है तो कम से कम टोपी कम से कम एक यूजेस, नहीं तो बड़ा सा पगड़ी अगर यूज किया जाएगा तो सबसे अच्छा है। और साथ में ORS कैरी करना, पानी कैरी करना, एक प्याज अनियन अपने पॉकेट में रखना, और अगर ज्यादा लू लगे तो मुंह को ढक देना, शरीर के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को ढक के बाहर में निकल। गर्मी ज्यादा हो रहा है मतलब सैंडो गंजी पहन के निकल गए तो उसमें ज्यादा क्षति कर सकता है। तो गर्मी में जब भी बाहर निकलना है तो फुल स्लीव पहन के ही निकलना है और ऐसा कपड़ा पहनना है कि जो जिसमें एयर इजी से अंदर बाहर जा सकता है। सूती का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा पहनना पहनना चाहिए। और ये सारा चीज हम लोग को
में लेकर लेके जाना है, और हो सके तो एकोनाइट और बेलेडोना के भी एक शीशी अपने पॉकेट में एज ए फर्स्ट एड मेडिसिन लेके निकलना है, ORS तो रखना ही है। खाने के जब जगह एकदम सिंपल डाइट, मतलब भूख नहीं लगेगा तो गर्मी के समय मत खाइए। मांसो शादी में घर में घर का जो फैटी एंड इंडाइजेस्टिव फूड, इस समय मत खाइए। कोई भी फूड इस समय ट्राई मत कीजिए। जितना सिंपलेस्ट मुड़ी जल इस टाइप का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड खाइए, वो भी कम मात्रा में, जितना कम हो सके, तो भी आप हेल्दी रहेंगे। ज़्यादा खा लेंगे तो जो ज़्यादा खा लेंगे इस समय इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ वो इस समय बहुत अच्छा आपका काम दे सकता है, वह त्रिफला का जूस। आमलोकी होरिते की बहरा, इसको रात में भिगा के सुबह में अगर पानी पियेंगे तो पेट और शरीर दोनों ही ठंड रहेगा। नहाना है इस समय 3 बार, भारतीय योग शास्त्र के अनुसार गर्मी के समय 3 बार नहाना है, जब सूरज उठ रहा है तब, जब सूरज बीच गगन में है तब, और जब सूरज ढल गया है तब। मतलब मिनिमम 3 टाइम्स नहाना इस समय आपके लिए अच्छा होगा। और किसी को सनस्ट्रोक का पेशेंट अगर आएगा, किसी को गर्मी हुआ है, तो उसका तुरंत शरीर में बॉडी में और माथा में थोड़ा पानी डालना है। और एक बात संभल के रहिए, किसी को भी माथा में डायरेक्ट पहले पानी मत डालिए, उसमें उसका क्षति हो जाएगा। आप भी घर से बाहर से आए, तुरंत जाके सवार मत खोल दीजिए, माथा में पहले पानी आएगा तो हो सकता है उस जगह में भी आपका स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है। तो पहले 10 मिनट घर में बैठेंगे, उसके बाद हाथ पैर धोएंगे, मुंह धोएंगे, उसके बाद जरूरत पड़े तो माथा धोएंगे। तो माथा में पानी सबसे लास्ट देना है गर्मी के समय, बाहर से आकर तुरंत फास्ट नहीं देना, ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, किसी का कोई, हम लोग के पास अभी 6 मिनट है, किसी का कोई सवाल है तो कीजिए। হ্যালো স্যার, বলছিলাম যে গরমের সময় যে ফ্রুট জুস বা এই জাতীয় জিনিস, মানে যেটা এমনি নেই, মানে বাড়িতে তৈরি করা, মানে কোনো কেনা না, সেটা কি ইউজ করা যেতে পারে দুপুরের সময়, যখন প্রবলেমটা বেশি হচ্ছে, মানে ডিহাইড্রেশনটাও বেশি হচ্ছে? फ्रूट जूस के मध्य, फ्रूट जूस में सभी टाइप का फ्लूइड और मिनरल्स रहता है। तो फ्रूट जूस जिसको खरीदने का या बनाने का फिनेंशियल कैपेबिलिटी है, तो गर्मी के समय फ्रूट जूस बहुत अच्छा है। दोपहर का खाना नहीं खा के अगर कोई फ्रूट जूस खाता है तो गर्मी के समय उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो फ्रूट जूस लिया जा सकता है, लेकिन बाहर से इस समय मत खरीदिए। बाहर का जो जूस है, बाहर का जो काटा फल है, वो नहीं खाए खाया जाए तो ठीक है, क्योंकि इस समय में डायरिया और कॉलेरा होने का जो भी चांसेस रहता है। इसलिए बाहर का फ्रूट जूस या बाहर का जो कटा हुआ फल मत खाइए, घर में लाके बना के खाइए, इट विल बी बेटर। और किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। স্যার র‍্যশ তো হচ্ছে, কিন্তু জ্বলন হচ্ছে না, আদার কোনো সেন্সেশনও নেই, তাহলে সে আমরা কি ওষুধ দিতে পারি? জ্বালাও নেই, সেন্সেশন নেই। पेशेंट अगर नमक खाना না पसंद कर सकते हैं तो नॉनस्टेमिनल दिया जा सकता है। और उस समय पेशेंट को बोलिए अच्छा से डेटॉल साबान से अच्छा से नहाने के लिए, दिन में 2 से 3 बार, तो रैशेस ऑटोमेटिकली चल जाएगा। गर्मी में स्किन बर्न भी हो जाता है, एकदम लाल लाल टाइप का, बहुत ज्यादा जल जल भी जाता है। तो मेनली है उसमें 2-3 बार, मिनिमम 3 बार नहाने के लिए बोलिए, और डेटॉल टाइप का साबुन अगर यूज करेगा तो अच्छा रहेगा। और पानी में कोई भी बर्फ डाल के मत नहाइए, ये बात को भी जरा ध्यान में रखिएगा। ठंडा पानी में नहाना इस समय ठीक नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है। बोलिए किसी का कोई कुछ है तो। गर्मी का मौसम में बिच्छू अगर काट ले तो उसके लिए क्या मेडिसिन दूं? गर्मी के समय नहीं, कभी भी बिच्छू काटेगा तो इमीडिएट उस जगह को साबुन से थोड़ा अच्छे से धो देना है, और धो देने के बाद उसका एसोसिएटेड अपर पार्ट जहाँ से खून नहीं जाएगा, उस जगह को थोड़ा टूर्निकेट से बांध के पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। गर्मी के समय काटे या शीत का समय काटे, कोई भी समय का काटे, पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटल में ले जाना है, और ले जाते जाते उस जगह को साबुन से अच्छे से पहले धो देना है। टूर्निकेट का यूज किया भी जा सकता है। स्टिंग बाइट्स में हम लोग का बहुत सारा दवाई है, जैसे हम लोग का है आपका लिडम पल, जैसे है एपिस मेलिफिका, इस टाइप का मेडिसिन
हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने पर्टिकुलरली बोला बिच्छू, बिच्छू एक ऐसा चीज है जिसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा होता है, हो सकता है कि दवाई देने के बाद उसको लाइफ सपोर्ट का भी जरूरत पड़े, तो लाइफ सपोर्ट तो आपका क्लिनिक में है ही नहीं, उसको तुरंत अगर सांस का तकलीफ आ गया तो आप थोड़ा ऑक्सीजन दे देंगे, ऐसा तो है नहीं, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे, एसी चला देंगे, ऐसा अगर व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में रेफर कीजिए, दवाई है तो उसको देकर भी दे रेफर कर सकते हैं। लेकिन पहला है जगह को इमिडिएट साबुन से धो देना है, दूसरा है अगर टूर्निकेट का यूज किया जा सकता है वो भी आप बांध के छोड़ नहीं सकेंगे, अगर पेशेंट के साथ आप जाएंगे तो भी टूर्निकेट बांध के लेके जाइए, अगर आप नहीं जाने वाला तो टूर्निकेट व्यवहार मत कीजिए, या जगह को अच्छे से साबुन से धोकर उसका जीभ में अगर लीडम पॉल या एपिस मेलिफी का जो भी है सिम्टम्स के अनुसार उसको दीजिए, देने के बाद उसको रेफर कर दीजिए हॉस्पिटल। बोलिए और किसी का कुछ है तो। हम लोग के पास और 1 मिनट है। ऐसा ऐसा कोई पोटेंसी है सर जिसको लेने से शरीर मतलब थोड़ा कूल रहे, जैसे कि उसको एक दो बूंद लेके और गर्मी में बाहर निकले तो हाँ थोड़ा एलियम से पा, उसका एलियम से पा एलियम से पा। कच्चा प्याज भी हो सकता है। পেঁয়াজটা যদি সঙ্গে রাখে কিভাবে ইউজ করবে, মানে এমনি বাইরে গেলে? পেঁয়াজ হাতের মধ্যে যদি রেখে রাখো বা পকেটে যদি রাখো এমনি অনেকটা সেন্সেশন কম আসে, একটা পেঁয়াজ যদি কাটো কেটে বুক পকেটে রেখে দাও, দরকার পড়লে একটা টুকরো বার করে মুখে নাও। এলিয়াম সেপা কা ওর কোই বিকল্প হ্যায় স্যার? না পেঁয়াজ হয় পেঁয়াজ, এলিয়াম সেপা কা কোনো বিকল্প নেই হ্যায়। ওকে হম লোগো তো টাইম খতম হো গিয়া হ্যায়, ঠিক হ্যায় হম লোগো কা পরীক্ষা ভি আনে বালা হ্যায় জলদি, যে ফার্স্ট ইয়ার হ্যায় উন লোগো কা রেজিস্ট্রেশন হো জায়েগা জুন কে লাস্ট মে ইয়া জুলাই কা ফার্স্ট মে, তো আপ লোগ থোড়া সম্পর্ক মে রহিয়েগা, আর কলেজ বহুত গরমি, আগার ইস তরহ সে গরমি रहेगा तो कॉलेज इस संडे भी हम लोग छुट्टी में रखेंगे, ऐसा गर्म रह पड़ेगा तो कॉलेज छुट्टी रहेगा, ठीक है।